तेरे बिन खाली सा चेहरा। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो जैसा कि अभी आपने प्रीव्यू देखा है, कुछ इस टाइप का स्टेटस आपने किस तरह से क्रिएट करना है आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करना है। यहाँ से आपने न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। ऊपर से आपने फ़ोटो वाली ऑप्शन पर सेलेक्ट करके तो यहाँ से आपने अपनी गैलरी से कोई भी एक फ़ोटो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे से आपने ड्रैग करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी रेशो की, आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से 9:16 वाला जो फ्रेम है आपने उसको सेलेक्ट करना है। नीचे से आपने इसको डन कर देना है। और जो फ़ोटो है आपकी, आपने इसको ऐसे जूम आउट कर लेना है, ठीक है, जैसे कि मैंने किया है। और इसके जो लास्ट में ब्लैक कलर का लोगो है उसको आपने सेलेक्ट करके नीचे से डिलीट कर देना है। इसके बाद आपने इसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी बढ़ा लेनी है जितना आपने स्टेटस रखना है। इतना करने के बाद नीचे से आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी ओवरले की, ये वाली, आपने इस पर क्लिक करना है। दोबारा से आपने ऐड ओवरले पर क्लिक करना है। इस बार आपने वीडियो वाली ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर आपने एक ग्रीन स्क्रीन टेम्पलेट जो है वो यहाँ पर ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने टू फिंगर से इसको ऐसे ड्रैग करना है, पूरी स्क्रीन पे इसको अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेना है। इतना करने के बाद आपने नीचे से एक ऑप्शन नज़र आएगी कट आउट की, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी क्रोमा की, आपने इस पर क्लिक कर देना है। ये जो सर्कल है आपने ये ग्रीन स्क्रीन पर रख देना है। इसके बाद नीचे से जो एक ऑप्शन है इंटेंसिटी, आपने इस पर क्लिक करना है। इसकी इंटेंसिटी जो है वो आपने यहाँ पर 100 कर देनी है। शेडो एफ़ वो अपनी फ़ोटो के हिसाब से आपने इस तरह से एडजस्ट कर देना है। इतना करने के बाद अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारी फ़ोटो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। तो इसको हम थोड़ा सा फ़ोटो को सिलेक्ट करके जूम आउट करेंगे और ठीक है, जूम आउट करने के बाद ये जो आपको ये ऑप्शन नज़र आ रही है प्ले के साथ वाली, आपने इस पर एक दफ़ा क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने इसको ऐसे ड्रैग करना है। ठीक है, इसको आपने ड्रैग कर लिया। आप थोड़ा सा और आगे आएंगे, फिर से आपने प्लस वाले इस पर क्लिक करना है और इसको आपने ऐसे राइट साइड की तरफ मूव करना है। इसी तरह ही आपने फिर से आगे जाना है, जितना भी आपने स्टेटस रखना है उसके हवाले से, तो आपने इसको फिर इस तरफ ड्रैग करना है। ठीक है, तो ये जो हमारी फ़ोटो है वो देख सकते हैं आपके कुछ इस टाइप की यहाँ पर जो है वो मूविंग फ़ोटो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो इतना हमारा काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद दोबारा से हम जाएंगे ऐड ओवरले पर। इस बार आप फिर से वीडियो वाली ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप एक पार्टिकल वीडियो को ऐड करेंगे। इसको ऐड करने के बाद इसको भी आपने ऐसे फुल स्क्रीन पर एडजस्ट कर देना है। नीचे से आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी ब्लेंडिंग मोड की, आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको बहुत सारी ऑप्शन नज़र आएंगी, आप इसको यहाँ से लाइटिंग पे कर दें, लाइटिंग पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका जो पार्टिकल जो है इफ़ेक्ट वो इसके अंदर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपने दोबारा से ऐड ओवरले पे क्लिक करना है और इस बार आपने दोबारा से वीडियो वाली ऑप्शन पर ही जाना है और यहाँ पर आपने एक लिरिक्स वीडियो को ऐड करना है। ये भी लिरिक्स वीडियो ऐड हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर नीचे ब्लेंड वाली एक ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको एक तीसरी ऑप्शन नज़र आएगी डार्किन की, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने इसको टू फिंगर से ऐसे अच्छे तरीके से छोटा कर लेना है जहाँ पे भी ये सेट हो जाए। वॉल्यूम मैं इसका यहाँ से थोड़ा सा बंद कर लेता हूँ, आप लोग ना कीजिएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो स्टेटस है वो इस टाइम यहाँ पर रेडी हो चुका है। ठीक है, बहुत ही कुछ आसान से स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करके अपना स्टेटस क्रिएट कर सकते हैं। तो इतना काम हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपने ऊपर से इसको 720 पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने इसको 1080 पे कर देना है, फ्रेम रेट आपने 60 पे कर देना है और इसको नीचे से आपने हाई करके इसको एरो वाले निशान पे क्लिक करेंगे। आपकी गैलरी के अंदर आपकी वीडियो सेव हो जाएगी। यार वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप लोगों को यहाँ पर मिलती रहेंगी।